नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस और एक्जिमा की, क्योंकि बहुत से लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उन्हें कंफ्यूजन होता है कि सोरासिस और एक्जिमा में बेसिकली उन्हें हो क्या रहा है और इसका डिफरेंस, अगर आपको भी सोरासिस या एक्जिमा है या कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आप इसका डिफरेंस कैसे लगा सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपको सोरासिस है या एक्जिमा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सोरासिस की, हम एक चीज़ जानेंगे सोरासिस के बारे में और उसको कंपेयर करते हुए हम जानेंगे एक्जिमा के बारे में, डिफरेंस करते हुए। तो सोरासिस में सबसे पहला डिफरेंस जो होता है एक्जिमा को लेकर, वो होता है कि सोरासिस आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मींस जब आपकी इम्यूनिटी, आपका ऑटो इम्यूनिटी ख़राब होकर आप ही के बॉडी सेल्स को अटैक कर रहा है और डैमेज कर रहा है और आपकी स्किन पे पस्टुलर इरप्शंस दे रहा है। जबकि जो एक्जिमा होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता है। एक्जिमा आपको किसी फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है, हाई फीवर में हो सकता है, या फिर आपको अस्थमा है, एज़मा है तो भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रबल के रहते भी हो सकता है, या बॉडी की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से भी हो सकता है, और या फिर आप गीली चीज़ को यूज़ कर रहे हो या गीले कपड़े पहन रहे हो, या फिर आप किसी और को कोई स्किन इन्फेक्शन है और आपको भी, आपने वही चीज़ यूज़ कर ली तो आपको भी एक्जिमा हो गया है। तो एक्जिमा का इम्यूनिटी से कोई रिलेशन होता नहीं है। सोरासिस जो है आपकी इम्यूनिटी का एक रिस्पॉन्ड है जो आप ही की इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करके स्किन पे इन्फ्लामेशन और पस्टुलर इरप्शंस दे रहा होता है। नेक्स्ट, जो सोरासिस है उसमें आपको बर्निंग ज़्यादा फील होगी और इचिंग हल्की बहुत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, बट एक्जिमा में आपको सिर्फ इचिंग होती है, सिर्फ खुजली होती है, इसमें कोई भी बर्निंग नहीं होती है। किसी भी तरह की आपको जलन महसूस नहीं होगी, कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, बस खुजली होगी। जबकि सोरासिस में खुजली के साथ साथ, खुजली बहुत ही कम मात्रा में होती है या नहीं भी होती है, बट बर्निंग, जलन की जो सेंसेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है कि सोरासिस अगर एक पेशेंट को हो रहा है तो किसी और पेशेंट को सोरासिस नहीं होगा, उसको छूने से या उसकी यूज़ चीज़ें यूज़ करने से या उसका जो भी इस्तेमाल करा हुआ अगर कॉम्ब है या कपड़ा है या टाल है, उससे आपको सोरासिस नहीं होगा। तो ये नॉन कॉन्टेजियस होती है, जिसको हम बोलते हैं कि एक से दूसरे को नहीं होती है। बट सोरासिस आपकी जनरेशन्स में ट्रैवल कर सकता है, आपकी आने वाली जनरेशन में हो सकता है, आपके बच्चों को हो सकता है, तो ये जनरेशन्स में ट्रैवल करेगी जीन्स के थ्रू। जबकि एक्जिमा अगर फंगल इन्फेक्शन से हो रहा है तो एक्जिमा कॉन्टाजियस बन जाता है कुछ केसेस में, अगर वो इन्फेक्शन से होता है तो। और अगर किसी पेशेंट को एक्जिमा है किसी फंगल इन्फेक्शन के रहते या किसी इन्फेक्शन के होते, तो दूसरे पेशेंट को एक्जिमा उसके यूज कपड़े यूज़ करने से या कॉम यूज करने से हो सकता है। नेक्स्ट, सोरासिस के जो इरप्शन होते हैं वो पस्टुलर्स भी हो सकते हैं, साथ में स्किन ब्लैक भी पड़ती है, ड्राई भी होते हैं और उसमें सिल्वरी जो एक स्किन झड़ती है, सिल्वरी अपीयरेंस होती है, तो ये इरप्शन इसके बहुत ही मार्क्ड होते हैं। जबकि एक्जिमा के इरप्शन स्केली मिलेंगे आपको, पैचेस में मिलेंगे और आपको रेड मिलेंगे, एक्सट्रीम रेड मिलेंगे, तो आप पता कर सकते हैं कि ये पैचेस एक्जिमा के हैं या सोरासिस के हैं। बहुत ही मेन जो बात होती है वो ये होती है कि सोरासिस सर्दियों में एग्रावेट करता है या मौसम का जो भी बदलाव होता है, वेदर चेंज होता है, तब वो ज़्यादा हो जाता है। जबकि एक्जिमा से मौसम का कोई भी रिलेशन नहीं होता, वो किसी भी टाइम कैसे भी हो सकता है, जैसा मैंने बोला इन्फेक्शन के रहते हो सकता है या रेस्पिरेटरी ट्रबल के रहते हो सकता है। नेक्स्ट, सोरासिस में आपके जो स्टमक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, आपका पेट साफ नहीं होगा, पेट में दर्द बना रहेगा, आपके टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं और वो बाहर नहीं आते हैं। जबकि एक्जिमा में स्टमक का कोई रिलेशन नहीं होता है, स्टमक का कोई भी पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होता है, ये सिर्फ स्किन को इफेक्ट करता है। इसमें कोई भी टॉक्सिन्स कुछ भी जनरेट अंदर नहीं होते हैं, बस स्किन को डेड करते हैं और स्किन पे इन्फ्लामेशन दे देते हैं रेड कलर की, और स्केली जो होता है पैचेस वो एक्जिमा में बनता है। नेक्स्ट, एक्जिमा वाले पेशेंट को कभी भी सोरासिस नहीं होगा। जबकि सोरासिस के साथ एक टाइम के बाद जब इचिंग बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो एक्जिमा हो सकता है। याद रखिएगा कि सोरासिस पेशेंट को एक्जिमा हो सकता है ड्राइनेस बढ़ने पे, इचिंग बढ़ने पे, बट आपके एक्जिमा के साथ कभी भी सोरासिस नहीं होगा, क्योंकि सोरासिस जो है ऑटो इम्यून सिस्टम है, हर एक इंसान को नहीं होता है। जिनका इम्यूनिटी खुद की इम्यूनिटी को अटैक करता है तो सोरासिस हो जाता है, जिसमें स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है सिल्वर अपीयरेंस के साथ। तो आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगी सोरासिस और एक्जिमा को पहचानने के लिए, उनका डिफरेंस करने के लिए, और आप
अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है, सोरासिस है या एक्जिमा हो रहा है और आप पहचान नहीं पा रहे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों को पहचानें और अपनी बीमारी का पता लगाएं। और अगर आपको सोरासिस है, एक्जिमा है, ऐसी परेशानी हो रही है और ये ठीक नहीं हो पा रही है, जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रही है, ठीक होता है थोड़े टाइम के लिए फिर से वापस आ जाता है, तो बेझिझक आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे फ़ोटोज़ भेजिए अपने स्किन के इन्फेक्शन की या स्किन जो भी इफेक्ट हो रही है, और हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लें और हम आपको एक हेल्दी लाइफ देते हैं और आपका सोरासिस जड़ से ख़त्म करते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए और हमसे कंसल्टेशन आप लेते रहें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।